पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए बेटा, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, जल्दी हो जाएंगे। उन्हें साहब 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का, प्यारे साथियों जब 60 अंश कोण कह रहा है प्रिज्म कोण ए है, प्रिज्म कोण को ए से व्यक्त करते हैं। माने देखो बेटा ए बराबर 60, नीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, तो ये डेल है। तो यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, और नहीं प्रिज्म कोण 60 अंश, न्यूनतम विचलन कोण डेलम 30 अंश। उन्हें सर जो दिया है उसको लिखते रहे हैं, चिल्लाओ नहीं। आपतन कोण का मान बताओ, तो सूत्र डिपेंडेंट सवाल है, आप लोग मान ही नहीं रहे हो। आई बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस डेलम बटा दो, जोर से बोलो 60 धन 30 बटा दो माने 45, हो गया उत्तर। लोटो देखो दूसरे सवाल, एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक रूढ़ दो वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। प्रकाश की किरण न्यूनतम विचलन कोण से प्रिज्म से होकर निकलती है जिसका अपवर्तनांक रूढ़ दो दिया हुआ है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना है, आई बराबर 2R, तो अपवर्तक कोण माने ए बताओ। चलो साथियों यहां ध्यान से देखो, आपतन कोण अपवर्तक कोण का नहीं मानोगे, मैंने हमसे बात कर लेगा, तो एन बराबर रूट दो, इसलिए एन बराबर क्या सूत्र होता है, साइन आई बटे साइन आर। नहीं उन्हें ऐसा यहां मत देखो, क्या नहीं आ रहा है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। और विचित्र देखो, साइन आई जगह दो बार बटे साइन आर, पुराने जमाने में, किस जमाने में, साइन टू थीटा सूत्र पढ़े थे, टू साइन थीटा कॉस थीटा, यकीन करो नीचे साइन आर लिखा रहने दिए कर। और साथियों कॉस आर बराबर एन बटा दो, नहीं मानोगे आप लोग हमारी बात को, तो कॉस आर बराबर एन है रूट दो बटा दो, कास आर बराबर एक बटा रूट दो से दो कट गया, कास आर बराबर एक बटा रूट दो, जोर से बोलो किसका मान है, तो आर बराबर आ गया, तुम लोग नहीं मानोगे। आर का सूत्र क्या होता है बताओ, आर बराबर एक बटा दो होता है, यहां क्या लिखा है जोर से बोलो, ए बराबर प्रिज्म कोण पूछ रहा था, अपवर्तक कोण माने प्रिज्म कोण। उन्हें से आगे देखो, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक रूट दो माने इसी की बहन है एन बराबर रूट दो, वह प्रिज्म कोण 60 माने ए बराबर 60। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अल्पतम विचलन को अपवर्तक कोण और निर्गत कोण बताओ। चलो मैं लिखो ध्यान से देखो, क्या क्या दिया है, अपवर्तनांक एन बराबर रूट दो और प्रिज्म कोण दिया है, नहीं मानोगे, अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन को डेलियम पूछ रहा है, अपवर्तक कोण निर्गत कोण ये पूछ रहा है ना, अपवर्तन लिख दो उसको, अपवर्तक नहीं आर और आई डैश दी जार पूछिंग डोला, तो कह दो हम आगे चलें, कह दो। तो यहाँ देखो बेटा ध्यान से समझो, पहले एन वाला सूत्र लगाया, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, यही होता है सर, साइन आई बराबर एन साइन आर। यहाँ देखो बेटा आर बराबर सूत्र क्या होता है, ए मतलब एक आंसर आ गया, नहीं आर वाला आ गया, कह दो हमसे आर वाला आ गया, और आर वाला आ गया है ए पता है, अच्छा डेलियम रह जाओ, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बराबर जोर से बोल दो एन साइन आर, एन की जगह आर की जगह रूट दो गुड़े हल करे पे साइन का मान आई
इक्यावन आई, तो आई बराबर आई आई कितना है कात बाल प्रथम विचरण निर्गत कोण आई डैश यह आई कितना है आई बराबर सूत्र की बताया है ए प्लस तिरछा गुणा कह जाए ए प्लस डेलेम बराबर डेलेम बराबर टू आई माइनस का दिक्कत है तेज लगाओ कहीं लग सकते दो गुणे आई मान बोला एक मान बोला पैतालीस दूनी नब्बे में साठ है सब आगे कितना है एकदम ताड़न जा फिर से अपरतना दूर दे बात है दुई लिख दिन यान बराबर रूप लो कात बा ए साठ हंस लिख दिन प्रिज्म कोण साठ अल्पतम विचलन कोण माने डेलेम पूछत बा अपवर्तन कोण माने आर पूछत बा निर्गत कोण माने आई डैश पूछत बा जैसे जानता आर बराबर का सूत्र होता है ए बटा दो साठ बटा दो ठीक और बाद एन बराबर साइन आई बटे साइन आर तो तिरछा गुणा कह दे साइन आई बराबर एन साइन आर तो एन बराबर रूट दो और साइन आर की जगह तीस अंश तो साइन तीस एक बटा दो काट पीट के एक बटा रूट दो आई है साइन आई बराबर का सूत्र होता है एक बटा रूट दो साइन पैंतालीस के माना आई बराबर का आ गया आई डैश पूछत बा आई डैश और आई बराबर हो पैंतालीस हो गया आई बराबर एक प्लस डेलम बाई टू हो तो पिछड़ा गुणा कह दे तो एधन डेलम बराबर दो आई डेलम बराबर दो आई माइनस से मान दे पटक से आई से कलो दिक्कत न सत्र सवाल नंबर चार किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों ए है प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण चौथी सवाल है इधर प्रिज्म कोण ए भी ए है न्यूनतम विचलन कोण ये भी ए है समझे उन्हें सर तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ एन बराबर क्या सूत्र होता है साइन ए प्लस डेलेम बाई टू अपान साइन ए बाई टू तो साइन ए डेलेम साइन ए बाई टू आगे बढ़े ए और ए दो ए बटा दो दो से दो ए आ गया साइन ए अपान साइन ए बाई टू मैथ का प्रयोग अभी जो सूत्र लिखे थे क्या होता है साइन ए बराबर टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू नीचे क्या लिखा है साइन ए बाई टू क्या बच्चा किसका मान है कोई डाउट मजा आ गया पांचवा सवाल इसी बात पे देखो 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म से बने प्रिज्म द्वारा कांच से बने प्रिज्म द्वारा तो देखो n बराबर 1.5 कोई कांच का एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया है उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है अल्पतम विचलन को डेल्टा एम ए के बराबर है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं तो प्रिज्म कोण का मान बताओ जबकि कास 41 बराबर 0.7 कास 41 बराबर जोर से बोलो किसका मान बताना है अच्छा ठीक एन बराबर सूत्र याद करो पुराने जमाने वाला साइन ए प्लस डेलियम बटा दो साइन ए प्लस डेलियम भी ए है उन्हें सा देख लो यही सवाल हो गई और आगे बढ़ो साइन ए और ए दुई अच्छा दुई का दिया साइन थीटा बराबर टू साइन थीटा बाई टू साइन ए बाई टू लिखा रहने दिए ये से ये कर दिया एम की जगह इतना मजा आया तो का से बाई टू बराबर रोहन 1.5 बटा दो रोहन का से बाई टू बराबर 0.75
रोहन कासे भाई टू बराबर कई अंश के माना रोहन ए भाई टू बराबर ए बराबर क्या चाहता है वो नोट करो।